हॉप लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कुछ अपडेट्स लेके आया हूँ हिप हॉप के बारे में। तो पहला अपडेट ये है कि डिवाइन ने एक बार फिर से एमिवे बंटाय को ट्रोल किया है ट्विटर के ऊपर। साफ साफ लिखा है कि जो रैपर्स हैं वीडियो छाप के ऑडियो छाप के अवार्ड कमा रहे हैं, और हम सबको पता है कि कुछ टाइम पहले एमिवे बंटाय एमटीवी एमए अवार्ड जीते हैं, तो डायरेक्टली उसको बोला गया और साथ में लिखा है एलो एलो इमोजी है लाफिंग वाला। तो एक बार फिर से एमिवे बंटाय को ट्रोल किया गया है, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो रैपर्स हैं एमिवे बंटाय के पीछे क्यों पड़े हैं। तो मुझे एक्चुअली एक रीज़न उसका ये लगता है कि जो एमिवे बंटाय के फैंस हैं वो उसको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनको लगता है कि जो एमिवे बंटाय के लिरिक्स है फ्लो है वो बिल्कुल बेकार है, और जो उसकी पब्लिक है फिर भी उनको पसंद कर रही है। तो मुझे लग रहा है ये एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से एमिवे बंटाय को लोग हेट कर रहे हैं। रैपर्स और कमेंट में काफ़ी काफ़ी गंदा गंदा लिखते हैं, तो भाई ये गलत है। और रैपर्स काफ़ी सारा डिस्ट्रैक्ट निकाल रहे हैं एमिवे बंटाय के ऊपर, लेकिन एमिवे बंटाय उनका कुछ भी रिप्लाई नहीं दे रहा। तो यार प्लीज़ यार ये सब बंद कर दो यार, वो अपनी जगह सही है, आप अपनी जगह सही हो। आपके बल्कि आप डिस्ट्रैक्ट निकालेंगे तो आपके हीटर्स ही बनेंगे मेरे हिसाब से। और वहीं बात करो एमिवे बंटाय लाइव आके उन्होंने बोला भी था कि जो ये अवार्ड्स है इसके असली हकदार जो एमिवे बंटाय की पब्लिक है जिन्होंने सपोर्ट किया है वो है, और उनका बहुत जल्दी गाना आने वाला है इस महीने के एंड में या फिर स्टार्टिंग में, उन्होंने लाइव आके बोला है। और वहीं बात करो डीनो जेम्स की, तो उसका गाना भी बहुत जल्दी आने वाला है एक फीमेल रैपर के साथ, तो देखते हैं गाना कब आता है। और उन्होंने भी साफ बोला है, काफ़ी टाइम पहले मैंने जब उनका गाना आया था तांडव तो कमेंट में काफ़ी सारे मैंने देखे थे, उसमें लिखा हुआ था कि जो बोला गया है वो एमिवे बंटाय के बारे में बोला गया है। लेकिन आज डीनो जेम्स लाइव आया, उन्होंने बोला कि यार एमिवे बंटाय बहुत अच्छा है, मैं उसकी इज्जत करता हूँ, रैपर बहुत अच्छा है। और ये भी बोला है कि यार हम दोनों मिल चुके हैं, और उसके जो माँ बाप थे एक टाइम पे काफ़ी परेशान थे एमिवे बंटाय को लेकर कि यार ये बंदा क्या करेगा, उसका क्या फ्यूचर होगा। लेकिन आज के टाइम पे यार बहुत ऊपर पहुंच चुका है एमिवे बंटाय, और साफ साफ ये फैक्ट क्लियर कर दिया है कि जो डीनो जेम्स ने जो गाना गाया था तांडव तो किसी के लिए कुछ गलत नहीं था। लेकिन हेटर्स को ये बोला था जो उनको बोलते हैं कि स्टोरी टेलिंग करता है, तो उन्होंने ये भी बताया कि स्टोरी टेलिंग और रैपिंग दोनों एक है, और एक ही यार स्टोरी टेलिंग और रैपिंग मतलब ये होता है कि स्टोरी बताना रैप के जरिए, तो दोनों एक ही चीज़ है। और दूसरा ये है कि बादशाह का इंटरस्टेलर का वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। काफ़ी जो फैंस थे बादशाह के मुझे बोल रहे थे भाई इंटरस्टेलर पे रिएक्शन वीडियो करो, और मैंने उनको यही बोला था कि भाई रिएक्शन वीडियो मैं जब ही करूँगा जब वीडियो आएगा, और मुझे लग रहा था वीडियो बहुत जल्दी आएगा। तो मेरा जो प्रेडिक्शन है ज़्यादातर देखा जाए तो सही जाता है, तो वेट करो जैसे ही वीडियो आएगा उसका रिएक्शन वीडियो मैं उसी दिन डाल दूंगा। तो बाकी यही अपडेट थी, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय करिए, मस्ती करिए, और मेरे रिएक्शन वीडियो देखिए एमिवे बंटाय को लेके, बादशाह को लेके, हर किसी के मैंने रिएक्शन वीडियो डाल रखे हैं। तो अगर रिएक्शन वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जब तक के लिए बाय बाय, लव यू, प्यार करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए।